नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, पिछले दो वीडियो में हमने हमारी कक्षा 9 का जो गद्य 6 हैं, मेरी बीमारी श्यामा ने ली, उसमें पिछले दो वीडियो में हमने श्यामा की और लेखक की बीमारी के बारे में समझने का प्रयास किया। अब इस वीडियो में हम आगे देखेंगे कि लेखक ने किस प्रकार से अपनी बीमारी से ठीक होने का बल जो है वो प्राप्त किया। अब पिछले दो वीडियो में जो पहला वीडियो था उसमें हमने देखा था कि लेखक किस प्रकार बीमार हुए, किस प्रकार से उनकी बीमारी में भी वो कितना लिखते थे, किस प्रकार से बीमारी में भी वो रुकते नहीं थे और थकते भी नहीं थे। लेखक ऐसा मानते थे कि बीमारी जो है वो अमीरों की हर मजदगी है, यानी अमीरों के लिए हैं। गरीबों को तो बीमारी में और ज़्यादा काम करना चाहिए, उसे कभी बीमार होकर खटिया पर या चारपाई पर पड़े नहीं रहना चाहिए। और लेखक खुद उस जितनी बीमारी उसे तेज होती जाती वो उतना ही ज़्यादा काम करते, उतना ही ज़्यादा लिखते, उतना ही ज़्यादा ट्यूशन देते, स्कूल भी जाते और इसी प्रकार से वो अपनी बीमारी को भगा देते। लेकिन जब लेखक को एक बार ऐसी बीमारी हुई कि उस बीमारी का अब काम से भी कोई वास्ता नहीं रहा, उनका जो बुखार था वो इस बार इतना ज़्यादा चला कि 10 दिन 20 दिन महीना दो महीना जुलाई तक चला, फिर लेखक को दवाई लेने के लिए जाना पड़ा और डॉक्टर ने उसे कहा कि आप स्कूल और ट्यूशन दोनों से छुट्टी ले लीजिए और चारपाई पर या बिस्तर पर लेटकर आराम करिए और ये दवाइयाँ जो हैं वो लीजिए, तब जाकर आपकी बीमारी जो है वो ठीक होगी। तब लेखक चारपाई पर लेट जाते हैं, लेकिन उनको अपने माथे पर जो कर्जा उन्होंने ले रखा था उसकी चिंता होती है। तो उनकी पत्नी श्यामा इस बात की चिंता को अपने ऊपर लेते हुए लेखक से कहती हैं कि आप चिंता मत करो, अगर आप मर भी गए तो मैं आपका कर्जा चुका दूंगी। तो लेखक जानते हैं कि जो बात श्यामा ने की वो अपनी छाती पर वज्र रखकर उन्होंने की हैं। फिर भी वो श्यामा को दोबारा जानने का प्रयत्न करते हैं और अंत में लेखक ये सोचते हैं कि न जाने मैंने क्यों ऐसा निश्चय किया कि मैं बीमार हूँ, मुझे जीने का प्रयत्न करना चाहिए। मैं अपने लिए नहीं, मैं श्यामा के लिए मुझे जीना होगा। मैं श्यामा पर अपना कर्जा छोड़कर नहीं मर सकता, चाहे कुछ भी हो जाए मुझे अपना कर्जा उतारना है। मैंने आज तक श्यामा के लिए कुछ भी नहीं किया, अब मुझे श्यामा के लिए कुछ करना होगा और मैं इस प्रकार से बीमार होकर पड़ा नहीं रह सकता। अब मुझे जल्दी इस बीमारी को भगाना होगा। और फिर वो इस बात का निश्चय करते हैं, जिस निश्चय के साथ उसकी दृष्टि भी बदल जाती है और उसे बल भी मिलता है। अब आगे हम पढ़ेंगे। मैंने डॉक्टर बी के मुखर्जी के पास जाकर कहा, डॉक्टर साहब आपका इलाज इतना बहुत महंगा है, मेरे पास आपके इलाज के लिए पैसे नहीं है। लेखक डॉक्टर मुखर्जी के पास गए और उसे जाकर उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब आपका जो इलाज है वो बहुत महंगा है और मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। इसके पूर्व कि मैं कुछ और कहूँ या पूछूँ, उन्होंने अपने बदनाम मुँह फटे स्वभाव से कहा, पैसे नहीं है तो जाओ मरो। आगे लेखक कुछ कहे या कुछ पूछे उनसे पहले वो जो डॉक्टर था उनका स्वभाव जो था वो बहुत ही मुँह फटा था, यानी जो उसके मन में आता थे वैसा वो बोल देते थे।
तो उसने कहा कि अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं तो जाओ मरो, मुझे जीवन में चुनौती से ही बल मिलता है। अब लेखक का जीवन ऐसा था कि किसी बात की चुनौती से ही उसे बल मिलता था। वे यदि मुझसे 100 बरस जीने का आशीर्वाद भी देते तो शायद जीने का संघर्ष का मुझ में इतना बल न आता जितना मैंने उनके जाओ मरो शब्दों को संचय किया। लेखक कहते हैं कि अगर डॉक्टर मुझे ये आशीर्वाद देते कि तुम 100 साल जियोगे तो शायद मुझे उतना बल प्रदान नहीं होता या मैं उतना संघर्ष नहीं करता जितना उन्होंने मुझे कहा कि जाओ मरो, और इस शब्द से जितना बल मुझे मिला उतना बल उनके आशीर्वाद से नहीं मिलता। लड़कपन में मेरे पड़ोसी बाबू मुक्ता प्रसाद ने लुई कुने के पानी के इलाज से मुझे परिचित कराया था। लड़कपन में यानी बचपन में उनके जो पड़ोसी हैं बाबू मुक्ता प्रसाद, उन्होंने लुई कुने के पानी से लेखक का जो इलाज है उस इलाज से उसे परिचित कराया था। मेरी ऐसी बीमारी के लिए ठंडे पानी के टब में बैठकर सीड्स बाथ लेने का विधान था। तो लेखक की जो बीमारी थी उस बीमारी में लेखक को ठंडे पानी के टब में बैठकर सीड्स बाथ लेना था। एलोपैथी में क्षय के रोगी को दूध, घी, मक्खन, अंडा अधिक से अधिक दिया जाता था। कुने के इलाज में चिकना मना था, सिर्फ कच्ची सब्जियां, फल, भीगे चने, गेहूं आदि पर रहना था। तो दोनों के जो इलाज का तरीका था वो बिल्कुल अलग था। एक में ज़्यादा दूध, घी, मक्खन, अंडा आदि दिया जाता था तो दूसरे में बिल्कुल चिकना नहीं दिया जाता था, कच्ची सब्जियां, फल, भीगे चने, गेहूं आदि पर ही रहना था। न दवा पर कुछ खर्च, न खुराक पर कुछ खर्च, ना दवा के पैसे देने थे न खाने के पैसे खर्च होने थे। यही इलाज तो मेरी स्थिति के अनुकूल था और कामकाज साधारण किए जाना था। और ये जो दूसरा इलाज था ये दूसरा इलाज ही लेखक की साधारण स्थिति के अनुकूल था, उसमें काम भी साधारण करना था। मैंने बीके मुखर्जी का नुस्खा फाड़ डाला और कुने के अनुसार सीड्स बाथ का आरंभ किया। तदनुसार खुराक आदि रखी, स्कूल भी जाने लगा, केवल रात वाली ट्यूशन छोड़ दी। तो धीरे धीरे वो जो देसी इलाज था वो करने लगे। धीरे धीरे उन्होंने स्कूल जाना भी शुरू कर दिया, सिर्फ रात वाली जो ट्यूशन थी वो छोड़ दी। उसका मुआवजा एक तरफ से किताबों की बिक्री से मिल जाता। जो ट्यूशन छोड़ दी उनका जो पैसा था वो लेखक ने जो किताबें लिखी थी उस किताबों की बिक्री से उसे मिल जाता था। श्यामा ने मेरा विरोध न किया, जीवन भर में जिस रास्ते पर भी चला उसने स्वस्थित पंथा कहा और मेरे पीछे चली। श्यामा ने कभी लेखक की किसी बात का कोई विरोध नहीं किया। जीवन भर लेखक जिस रास्ते पर चले उसी रास्ते पर श्यामा भी उनके पीछे पीछे चली, यानी लेखक जो करना चाहते थे श्यामा उसे कभी मना नहीं करती थी, वो उनके पीछे पीछे वो भी वही करती थी। मेरी स्नान चिकित्सा के संबंध में भी वह प्रतिदिन अपनी सेवा सहयोग देती रही। सबसे अधिक अपने इच्छा बल से उसने मुझे अपने रास्ते पर न ठहरने दिया। तो लेखक की जो जो चिकित्साएं थी उन सभी चिकित्साओं में वो लेखक का सहयोग करती रही। सबसे अधिक वो अपने इच्छा बल से उसने लेखक को कभी रुकने नहीं दिया, यानी जो भी कार्य उनका था उनमें उनका सहयोग किया, न पीछे फिरने दिया और न लेखक को कभी पूछे मुड़ने दिया। राह पकड़ तू एक चला चल पा जाएगा मधुशाला। तो लेखक कहते हैं कि राह पकड़ तू एक चला चल पा जाएगा मधुशाला, लेकिन अपने अडिग इच्छा बल से उसने जो सबसे बड़ा सहयोग दिया
और जो सबसे बड़ा चमत्कार किया वह यह था कि जितने दिन मेरा इलाज चलता रहा उसने अपने सारे रोगों को जैसे किल दिया और कभी एक उंगली दुखने की भी शिकायत न की। तो लेखक कहते हैं कि जब तक लेखक का इलाज चलता रहा तब तक श्यामा ने कभी कोई बीमारी की बात नहीं की। उन्होंने अपनी एक उंगली भी दुखती है ऐसी भी शिकायत नहीं की। वो बीमार होते हुए भी अपनी बीमारी को छुपाती रही। वो इतनी मजबूत हो गई कि लेखक को कभी उन्होंने अपनी कोई भी बीमारी की शिकायत नहीं की। शायद उसके प्रति इस निश्चिंतता ने मुझे अपने रोगों से लड़ने का जितना बल दिया उतना किसी चीज़ ने नहीं। तो लेखक कहते हैं कि शायद इसी कारण श्यामा की जो रोग से निरोगी होने की जो बात थी, जो चिंता थी, उस चिंता से लेखक निश्चिंत हो गए। उन्होंने सोचा कि अब तो श्यामा बिल्कुल निरोगी हैं और उसकी इसी निश्चिंतता ने लेखक को अपने रोग से लड़ने का जितना बल दिया उतना किसी चीज़ से उसे नहीं मिला। वह इस आत्मनियंत्रण, आत्मनिरग्रह, इच्छा बल, हठ योग की समझ में नहीं आता, उसे क्या नाम दे। यानी लेखक कहते हैं कि इस बात को मैं कौन सा नाम दूँ कि वो आत्मनियंत्रण है, आत्मनिरग्रह है, इच्छा बल है, हठ योग है, वो क्या है जिसके कारण श्यामा ने अपने इस रोग को इस प्रकार से दबा दिया है। बड़ी महंगी कीमत उसे चुकानी पड़ी और जो श्यामा ने हठाग्रह किया था, जो आत्म निग्रह किया था, जो उनका इच्छा बल था, जो अपने आप पर नियंत्रण था, उन सभी बातों की उसे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। अपने क्षय ज्वर से पूर्णतया मुक्त हो जिस दिन मैंने सामान्य भोजन किया 15 अप्रैल 1936 को ठीक उसी दिन वह चारपाई पर गिरी और फिर न उठी। तो लेखक कहते हैं कि जिस दिन मैंने अपने क्षय से यानी क्षय की बीमारी से निवृत्त होकर सामान्य तरीके से भोजन किया, मैं क्षय से पूर्ण मुक्त हुआ और मैंने जब सामान्य भोजन किया उस दिन था 15 अप्रैल 1936 ठीक उसी दिन वह यानी कि श्यामा चारपाई पर गिरी और फिर कभी न उठी। यानी लेखक जिस दिन क्षय से बिल्कुल मुक्त हुए उन्होंने जिस दिन सामान्य भोजन किया वो दिन था 15 अप्रैल 1936 ठीक उसी दिन श्यामा जो है वो बीमार हो जाती है और बिस्तर पर पड़ती है और फिर वो कभी ठीक नहीं हुई। 216 दिन बराबर रोगशैया पर पड़े रहने के बाद 17 नवंबर 1936 को उसने अपना शरीर छोड़ दिया। यानी लेखक के ठीक होने के बाद 216 दिन बराबर श्यामा रोग से ग्रस्त होकर बिस्तर पर पड़ी रही और उसके बाद 17 नवंबर 1936 को उसने अपना शरीर छोड़ दिया यानी उनकी मृत्यु हुई। श्यामा के और अपने विवाहित जीवन के अंतिम 18 महीनों में मुझे और उसे दोनों को मौत के साथ संघर्ष करना पड़ा। लेखक कहते हैं कि श्यामा के और लेखक के विवाहित जीवन के जो अंतिम 18 महीने हैं उन अंतिम 18 महीनों में लेखक को और उनकी पत्नी श्यामा को दोनों को ही मौत से लड़ना पड़ा, मौत से संघर्ष करना पड़ा। मेरे संघर्ष में श्यामा ने अपनी इतनी
आंतरिक मंगल कामना दी, इतना सहयोग दिया, इतनी अपनी सेवा दी, इतना अपने को बल दिया, इतना अपने को दिया, इतना अपनी और से मुझे चिंता विमुक्त रखा कि मैं इस संघर्ष में विजयी हुआ। तो लेखक कहते हैं कि जो श्यामा थी उसने मेरे संघर्ष में इतनी आंतरिक मंगल कामनाएं दी, इतना लेखक का सहयोग किया, इतनी लेखक की सेवा की, इतना अपने आप को लेखक की सेवा में रखा, इतना अपनी ओर से लेखक को चिंता से दूर रखा कि उस संघर्ष में लेखक विजयी हुए, यानी लेखक की जो बीमारी थी वो ठीक हो गई। पर उसके संघर्ष में बहुत मैंने अपनी शुभकामनाएं दी। अब जब श्यामा बीमार पड़ी तो लेखक ने बहुत अपनी शुभकामनाएं दी, बहुत प्रयत्न किया, बहुत सहयोग दिया, बहुत श्यामा की सेवा की, बहुत अपने को दिया, पर वह पराजित हो गई। लेखक ने श्यामा की बहुत ही सेवा की, बहुत शुभकामनाएं दी, बहुत उनका सहयोग भी किया, उनकी सेवा भी बहुत की, बहुत अपने को अपने आप को दिया, लेकिन श्यामा जो है वो मौत से संघर्ष में हार गई, पराजित हो गई। संभवतः एक मोर्चे की कमजोरी से वह मेरे विषय में मृत्यु की अंतिम सांसों तक चिंता विमुक्त नहीं हो सकी। लेखक कहते हैं कि संभव है कि एक मोर्चे की कमजोरी से, यानी वो अपने आप इस बात से कमजोर थी कि वह मेरे विषय में मृत्यु की अंतिम सांसों तक चिंता विमुक्त नहीं हो सकी। अगर लेखक की मृत्यु होगी तो इस बात की उसे जो चिंता थी उस चिंता से वो कभी मुक्त नहीं हो सकी, और अंत में वो मृत्यु से लड़ते हुए हार जाती हैं और उनकी भी मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ पर लेखक जो हैं वो अपनी बीमारी में अपनी पत्नी के सहयोग के कारण मृत्यु से जीत जाते हैं, लड़ाई जीत जाते हैं, लेकिन उनकी पत्नी जो श्यामा हैं वो इस लड़ाई में हार जाती हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है। और इसीलिए यहाँ पर हमारा जो गद्य है उनका शीर्षक है मेरी बीमारी श्यामा ने ली, यानी लेखक की जो क्षय की बीमारी है वो श्यामा को मिल जाती हैं, यानी बीमारी में श्यामा की मृत्यु हो जाती है, लेखक ठीक हो जाते हैं। तो यह था हमारा गद्य छ, मेरी बीमारी श्यामा ने ली। अब आपको इस गद्य का स्वाध्याय जो है उसे लिखना है। यहाँ पर जो स्वाध्याय के प्रश्न हैं ये आपको गृह कार्य में लिखना है, होमवर्क में लिखना है। यहाँ पर पहला प्रश्न है एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए, ऐसे तीन प्रश्न हैं। जो तीनों प्रश्न हैं उसे आपको अपनी बुक्स में लिखना है, तीनों प्रश्नों के उत्तर भी आपको लिखने हैं। जैसे पहला प्रश्न है सामान्यतः लेखक को कौन कौन सी बीमारियां रहती थी। दूसरा प्रश्न है लेखक एलोपैथी का उपचार क्यों नहीं कराते थे। बच्चन जी को मुक्ता प्रसाद जी ने कौन सा उपचार बताया था। तो ये तीनों प्रश्न हैं, उस तीनों प्रश्नों का उत्तर आपको गृह कार्य में बुक में लिखना है। जो दूसरा हमारा प्रश्न है सविस्तार उत्तर दीजिए। इनमें पहला प्रश्न है लेखक बीमारी में भी क्यों काम करते थे, लेखक बीमारी में भी क्यों काम करते थे। तो दूसरा प्रश्न है लेखक की बीमारी सुनकर श्यामा काप कर तुरंत क्यों संभल गई। तीसरा प्रश्न है लेखक को ऐसा क्यों लगा कि उन्हें श्यामा के लिए जीने का संघर्ष करना चाहिए। बच्चन जी की पारिवारिक आर्थिक विपन्नता के बारे में अपने विचार प्रकट कीजिए। और तीसरा प्रश्न जो है हमारा नीचे दिए गए
वाक्यों का भावार्थ समझाइए। तो यहाँ पर ऐसे दो प्रश्न हैं। बीमारी अमीरों की हर मजदगी है, गरीबों को उसे अपने पीछे न लगाना चाहिए। और दूसरा जो है, काम के पीछे बुखार भागे। तो दोनों का भावार्थ भी आपको समझाना है। चौथा जो हमारा प्रश्न है वो है, शब्द समूह के लिए एक शब्द दीजिए। तो उनमें पहला प्रश्न है, जहाँ शरण लिया जा सके। दूसरा जो, दूसरा प्रश्न जो है वो है, 100 बरस जीने का आशीर्वाद। और तीसरा जो प्रश्न है, शुभ मार्ग पर चलने का आशीर्वाद। चौथा प्रश्न है, पांचवा जो प्रश्न है, विरोधी शब्द दीजिए। यहाँ पर, यहाँ 4 शब्द हैं, चिकना, मधु, कलश और विमुख। तो उन 4 शब्दों के विरोधी शब्द आपको लिखना है। विद्यार्थी मित्रों, आजे स्वाध्यायना प्रश्नों में तमने कीधा ए तमारे तमारी रफनोट में लखवाना छे, ए तमारू होमवर्क छे। अने बाकी तो आपड़े जे स्वाध्याय पोथी आपड़ी गालानी तमे लीधी छे एनी अंदर आ आपड़ा 6ठા પાઠનો આખો એ સ્વાધ્યાય તમારે લખીને તૈયાર રાખવાનો છે। સભી કો અપની સ્વાધ્યાય પોથી મેં ગદ્ય 6 જો હે, ગદ્ય છે, ઉનકા સભી પ્રશ્નો કે ઉત્તર લિખકર તૈયાર રખના હોગા। યે હે આપકા આજ કા હોમવર્ક। આજ કે લિયે ઇતના હી, અગલે વિડિયો મેં દુબારા મિલેંગે। જય હિન્દ।